गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ, गोभी की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी गोभी के कोफ्ते। तो ये देखिए, मैंने ये गोभी के कोफ्ते बनाए हैं, ये देखिए। तो सर्दी का मौसम है, गोभियाँ तो बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और प्लीज़ ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो ये मैंने गोभी के कोफ्ते बनाए हैं और जो आपने ट्राई किए हैं, आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि हम गोभी के कोफ्ते बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चाहिए गोभी। तो ये देखिए, मैंने एक गोभी ली है, ये थोड़ी सी ऊपर से गंदी सी हो रही थी तो मैंने उसे साफ़ कर लिया और उसे अच्छे से धो लिया है। और इसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो ये कम से कम आधा किलो का फूल होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये अदरक, मैंने बारीक काट लिया है छोटा छोटा, और थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च ये मैंने डाल दी है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू मैश करके बाइंडिंग के लिए, क्योंकि उससे अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, क्योंकि जो गोभी है आपस में नहीं मिल पाएगी अगर हम इसमें आलू नहीं डालेंगे, और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, नहीं तो जो गोभी के पकोड़े बनेंगे हमारे वो वाइट बनेंगे। तो मैं हल्का सा डाल देती हूँ इसके अंदर। अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 चम्मच पहले मैदा, 2 चम्मच ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इन सबको मिक्स करेंगे अब हम। और इसको मिक्स करने के बाद पहले अच्छे से जो आलू है ना, इनको अच्छे से मिक्स करना है। ऐसा ना हो कि कुछ, आप चाहें तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, और नहीं किया है तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर ले, नहीं तो उसके मोटे मोटे पार्ट जो है मुँह में आएंगे जब इसकी पकौड़ी हम खाएंगे। तो इसलिए इसको ऐसे करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं, देखिए। और जैसे कि मैंने इसमें 2 चम्मच वो डाला है मैदा, तो 2 चम्मच काफ़ी हो चुका है, तो अब इसमें हम और मैदा नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कभी कि आपकी बॉल्स जो है बनने रही हैं तो आप उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है डो। तो अब हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं और इसको फ्राई करेंगे, ये देखिए। और कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लूंगी ऐसे करके, और बॉल्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा, जैसे मतलब छोटी बड़ी आपको जैसे भी चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने बॉल बना ली है, ये देखिए। तो मैं ऐसे करके ये सारी बॉल्स जो है बना लेती हूँ। ऑयल लगाने से ये फायदा होगा, जो बॉल्स हैं आपके हाथ में थोड़ा सा ना चिपकेंगी नहीं और वो बहुत अच्छी बनेंगी, ये देखिए। इस तरीके से मैं ये सारी बॉल्स बना लेती हूँ। तो देखिए, ये जो बॉल्स हैं मैंने बना ली है, और उधर मैंने ऑयल जो है पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब उसमें हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि ऑयल हमारा हो चुका है। तो चलिए, ऑयल हमारा अच्छे से हो चुका है, और गैस की फ्लेम को इस टाइम तो जैसे कि मैं कोई भी पकौड़ी वगैरह डालती हूँ तो हमेशा मैं हाई रखती हूँ, ये देखिए। और इस तरीके से हम ये सारी बॉल्स जो है इसमें डाल देंगे, और ऐसे धीरे धीरे से ऑयल इसके ऊपर डालते हैं। और देखिए, ये पकौड़ी जो है आपकी बहुत अच्छे से, पहले अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये जो हमारी पकौड़ियाँ हैं ये फटेंगी नहीं। ये इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, और जब थोड़ी सी इस पर कोटिंग हो जाए अच्छे से, आपको थोड़ी थोड़ी ब्राउन लगने लग जाए तो फ्लेम को लो कर दे, जिससे कि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो अंदर से और अच्छे से पक जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे पकौड़े हैं गोभी के, ये हो चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और फ्रेंड्स ऑयल हमारा देखते हैं कि हो गया है कि नहीं। अभी नहीं हुआ है, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ मैं। और इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी पहले। और थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता, 2-3 लौंग, एक बड़ी इलायची। और इसको थोड़ा सा होने देते हैं। उसके बाद ये मैंने 2 प्याज का पेस्ट बना लिया था तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें 1 चम्मच ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और इन सबको हम अच्छे से अब भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज है हमारी भुन गई है और अब मैं इसमें ये मैंने 2 बड़े टमाटर का पेस्ट बनाया है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसमें मैंने 3 हरी मिर्च डाली है फ्रेंड्स। तो क्या कहते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं क्योंकि मैं लाल मिर्च इसमें नहीं डालूंगी। तो अगर आप चाहें तो हरी मिर्च कम करके लाल मिर्च डाल सकते हैं, जिनको ज़्यादा कलर पसंद है, जैसे कि रेड कलर सबको ज़्यादा सब्जी में अच्छा लगता है तो आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच 1 चम्मच मैं ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ इसमें। और इस मसालों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको। अब मैं इसमें 1 चम्मच ये किचन किंग आजकल सभी के घर में होता है तो वो डाल रही हूँ। और साथ में मैं 2 चम्मच के करीब इसमें डालूंगी दही। और अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से बिल्कुल पक ना जाएं, तब तक हमें इन्हें ऐसे ही भूनते रहना है। जो मैंने दही डाला है इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, बढ़ जाता है आपका, तो बिल्कुल दही डालना तो बिल्कुल ना भूलें। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ढक के रख देती हूँ और ऐसे ही इसके मसाले जो है अच्छे से भुन जाएंगे और उसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे इसको। चलिए खोल के देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है उसने यहाँ पे तेल दिख रहा है ना, तो यानी कि हमारा जो मसाला है ये हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी ऐसी ही गाढ़ी चाहिए तो आप इसमें पानी बिल्कुल ऐड ना करें। और जैसे कि अब मेरे को थोड़ी सी लिक्विड चाहिए तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बस। और ढक के रख देते हैं फिर से। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट में जो है हम इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे करके डाल देंगे, ये देखिए। और जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल रेडी है। और जो कोफ्ते हैं हम डायरेक्टली इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि गोभी के कोफ्ते जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अगर हम ग्रेवी के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे तो घुल जाएंगे। तो जब भी आपको खाना हो तो तभी उसके ऊपर ये ग्रेवी डालें, अदरवाइज इसके अंदर मतलब बिल्कुल ना डालें। तो अब जो हमारी ग्रेवी है बनके बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ना मैंने कोई कलर यूज़ किया है इसमें और कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये देखिए। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम सर्व करेंगे। अब ये जो कोफ्ते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आप देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ये।
और ग्रेवी को जो है मैं इसके ऊपर से डालूंगी। और फ्रेंड्स इस पे थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।